नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आज आपको क्लास टेंथ का जो कल कंपार्टमेंट का पेपर है साइंस का, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन रखा है केमिस्ट्री से, क्लासिफिकेशन चैप्टर से, तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन है कि आपको बताना है नीचे वाले क्वेश्चन के आंसर देने। अगर किसी एलिमेंट का जो सिंबल है वो ये है 12x24, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो आपको पता होगा जो नीचे वाला नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर 12 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 2, राइट। केमिस्ट्री है, टू द पॉइंट आपको लिखनी है, केवल वन वर्ड या वन लाइन में आपका आंसर होना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन भी मैंने तो 5 पार्ट में तोड़ा है, लेकिन 3 पार्ट में तो टूटा हुआ होता ही होता है। तो बहुत ध्यान दे कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जाए, तभी आपके मार्क्स मिलेंगे। बहुत जल्दी हो जाती है, हार्डली आधा घंटे में केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड पार्ट है ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एक्स। तो देखिए, ग्रुप और पीरियड का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। आप देखिए, इसकी जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, इसका मतलब ये सेकेंड ग्रुप से, राइट। और क्योंकि इसके 3 सेल हैं, इसका मतलब इसका पीरियड नंबर क्या है, 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी वैलेंसी बताइए, तो इसकी वैलेंसी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे कंपेयर करिए एटॉमिक नंबर 20 से। 20 का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2, 8, 8, 2, ठीक है। बस इतना है कि इसमें तीसरे पीरियड में ये कौन से पीरियड में होगा, 4th पीरियड में। वैलेंसी इसकी भी 2 है और वैलेंसी इसकी भी 2 है, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 17Y35। तो आप याद करके देखिए, एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 5 मार्क्स का हो सकता है, चैप्टर 2 से है, एसिड बेस इंडिकेटर से। फर्स्ट पार्ट है, एसिड बेस इंडिकेटर का नाम बताइए जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिचन से। तो आपको पता होगा कि लिचन से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो उसका नाम होता है लिटमस पेपर। नेक्स्ट है, इफेक्ट ऑन पीएच बाय इंक्रीजिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब भी बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, मतलब पीएच की वैल्यू कम होगी, 0 की तरफ टेंड्स करने लगेगी। और नेम द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर जो स्मेल से पहचान कराते हैं एसिड की और बेस की, उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। और वनीला और ओनियन इसके एग्जाम्पल है। 2 uses ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आप जानते होंगे, सॉल्ट वॉशिंग सोडा के जो यूज है, पहले तो लॉन्ड्री में यूज किया जाता है, दूसरी चीज है ये डिसइंफेक्टेंट है, और तीसरा यूज आप लिख सकते हैं कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के काम में आता है। तो ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 3rd क्वेश्चन है। वो 3rd क्वेश्चन मैंने फिजिक्स से लिया है। आपको पता होगा 6 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 2 क्वेश्चन फिजिक्स से और 2 क्वेश्चन बायो से। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर चेंज। जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर पर करंट फ्लो किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो वो कैसे कैसे चेंज होता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो पहला है इफ करंट इज इंक्रीज, तो आपको याद रखना होगा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अप्लाइड, मतलब करंट इंक्रीज है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन लेते हैं, तो अगर इसकी डायरेक्शन इधर से इधर है तो फिर डायरेक्शन इसकी इधर से इधर हो जाएगी, मतलब वो भी रिवर्स हो जाएगी। तीसरा है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इंक्रीज, मतलब कहने का है कि अगर ये कंडक्टर है और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर हमने पॉइंट को यहां से चेक ना करके यहां पर चेक कर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। जितना हम करंट कैरिंग कंडक्टर से डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4th, वो मैंने लेना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी के ओम्स लॉ से। क्वेश्चन है कि आप ड्रॉ करिए एक सर्किट डायग्राम, लेवल सर्किट डायग्राम।
ओन फ्लो को वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद में आपकी उसकी दो प्रिक्योशंस बताइए, उसके साथ ही एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसमें जोड़ दिया है कि करंट आई बताइए अगर एक लैंप में जो 220 वोल्ट सप्लाई पर है और जिसमें जो बल्ब का रेसिस्टेंस है वो 200 ओम है। तो पहले तो ओम स्लो के को वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ रेसिस्टेंस लगाने पड़ेंगे और हर एक रेसिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। सीरीज में लगाए हमने इसे तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। यहाँ पर आप बैटरी की सप्लाई लगा सकते हैं, आप यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर इसे हम यहाँ से जोड़ेंगे। यहाँ पर आप एमीटर लगा सकते हैं और यहाँ पर आप स्विच लगा सकते हैं और यहाँ पर वोल्ट मीटर हमने लगाए हुए। तो ये मैंने सर्किट डायग्राम को ये डायरेक्शन आप बता देंगे करंट की, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। दूसरा प्रिक्योशंस क्या रखेंगे कि जो आपके कनेक्शन है वो टाइट होने चाहिए। दूसरा प्रिक्योशंस क्या रखेंगे कि जो सर्किट का टेम्परेचर है वो लगभग सेम होना चाहिए। ये दो प्रिक्योशंस खास तौर पे होंगे। रीडिंग जो एमीटर और वोल्ट मीटर के मीटर की है वो करेक्ट होनी चाहिए, मतलब उनमें जीरो एरर कम होनी चाहिए, खत्म तो नहीं की जा सकती। उसके बाद में न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है। आर की वैल्यू 200 ओम है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल इजी आते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले पर आते हैं। और आई की वैल्यू आपको निकालनी है और 220 वोल्ट करंट और रेजिस्टेंस जो है वी की वैल्यू है 220 ओम। तो यहाँ पर वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से ही ले लेंगे, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, मतलब कहने का है कि 220 अपॉन 200, ये आपका वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से 5 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब आपको देता हूं, जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है वो मेरे बायो से है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। सेकंड इसी का पार्ट है ड्रॉ ह्यूमन ब्रेन शोइंग सेरिब्रम हाइपोथैलेमस और आपका मेडुला ओब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। तो पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर होगा, क्रेनियल नर्व्स जो है वो नर्व्स होती है जो मोटोर सेंसरी नर्व्स के सिग्नल्स को ब्रेन से ह्यूमन बॉडी तक ले जाती है या लाती है, ठीक है। और ये डायग्राम आप बनाए देंगे, ध्यान रखना है लेवल डायग्राम होना चाहिए, लेवलिंग के बिना कुछ नहीं होगा। उसके बाद में मैंने 6 क्वेश्चन दिया है व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आप जानते होंगे। और एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट डेवलप इंटू सीड एंड फ्रूट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर जिसे पिस्टल कहते हैं। तो ये डायग्राम आप अच्छे तरीके से करके जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि देखिए सभी क्वेश्चन 1-1, 2-2 मार्क्स के होंगे क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी 3 पार्ट में। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, बहुत इजीली करें, इजी ही पेपर आएगा। और ये साइंस का पेपर में टाइम की प्रॉब्लम कम रहती है क्योंकि लगभग 2.5 घंटे में पेपर हो जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट।